हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सृष्टि सर और तुम लोग साई आशा सृष्टि सर क्लासेस। आज मैं क्लास 11 और फोर्थ नंबर चैप्टर मोशन इन ए प्लेन तारे ऊपर दूटा प्रब्लेम आनीस मैं मैथ्स आनीस तुम लोग मैं बुझा दीम तुम लोग बुझि गई थकबा इतना चुना यह अंक कटा बुझार आगते तुम लोग फर्मुला क्या मन लगे आम रिजल्टेन्टर फर्मुला दिल्ली पेरालोग्राम और ट्रेंगुलर है सभी तुम लोग जानव लगे जो सभी तुम लोग नजाना तैयार अंकक असुविधा पा मेथ्सकटा कर असुविधा पबा इतना तुम लोग चुना इते कि बडी ट्रेवल्स 10 मीटर डिउ नर्थ एंड देन 7 मीटर डिउ ईस्ट फाइंड द डिसप्लेसमेंट अब द बडी ठीक है। इतना आम डायग्राम तो आंकी लो लगे डायग्राम तो आंकी ललो एने तुम लोग अलग भल डायग्राम तो आंकबा यू आम धरल ईस्ट वेस्ट यू नर्थ और यू साउथ यू आम ओरिजिन ठीक है। इतने आम एने दूँ दी आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यू आम दिल कि कारण दिल इते दी आज 7 मीटार कि बुली कैसे 10 मीटार नर्थ इतना चुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मीटार ठीक है। 10 मीटार तार पिछत कि बुली कैसे ईस्टर फाले गई कि 7 मीटार इतना चाबा इफाले एनेक 1 2 3 4 5 6 मानने 2 4 1 2 3 4 5 6 7 यू मैं चुनाव एनेक इफाले इमान गई से यू एने कानेक्ट कर दिया ठीक है। यू कि 7 मीटार डिउ ईस्ट और यू टेन मीटार नर्थ यही हल आम क्वेश्चन इतना आम उलिया लगे आम डिसप्लेसमेंट तो उलिया लगे यू पॉइंटक आम करूँ बी पॉइंट नाम दिल इतना आम डिसप्लेसमेंट तो कि उलिया लगे डिसप्लेसमेंट उलिया लगे इतना चाबा आम करम य पॉइंट ओरिजिनर पर यह पॉइंट कि कानेक्ट कर दूम कानेक्ट कर दिल्ली यही कानेक्ट कर दिल ठीक है। इतना आम जानो ट्राइंगुलर फैक्टर एडिशन आम फर्मुला तो इते कि लगे एड कर लगे इतना आम कि पालों इतने चुनासन सल्यूशन लिखा तुम लोग सल्यूशन 1 इतना आम कि लिखीम ओ ए ओ ए कि 10 मीटार डिउ नर्थ ठीक है। तार पिछत कि आज ए बी ए बी 7 मीटार डिउ ईस्ट आम इतना ओबी तो उलिया लगे इतना आम इतने कि एप्लाई करम रूल तो चुनाव तुम लोग इतने लिख दिया तलत लिखिले भल हम इफाले कि लिखम आम एप्लाई ट्राइंगल यू चुना तुम लोग कि पासी ट्राइंगल पासी ट्राइंगल पासी ट्राइंगल आम करम इते जानू आम ओ बी इज इक्वल टू
ओ ए प्लस ए बी एटु की ल फैक्टर एडिशनर एटु ल दिस इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन है एतिया आमी इयाके की करिम इयार मड टु उलियै ल मडुलस तो सबात मलगे मडुलस ओ बी इज इक्वल टू आमी के लिखिबो परो इयाते ओ बी इज इक्वल टू की हबो इयाते तुम लगे सवा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओर भेल्यू किमान तुम लोग जाना ओर भेल्यू तो किमान तुम लोग जाना 10 मीटर 10 स्क्वायर प्लस ए बी भेल्यू तो तुम लोग जाना 7 मीटर तार माने 7 स्क्वायर यते की हबो 149 एटु आमी इफाले लई जाऊ कि हबो तति हले ओ बी इज इक्वल टू सो तुम लोग कि हम 149 149र रूट कि हम यू आम अंकबी करते आम मनते थी जाए ठीक है इतना 10 जो यू आम थीटा बुली धरो है थीटा बुली धरले इतना तुम लोग 10 थीटा इज इक्वल टू कि हम पी बाय बी इत पी कि हम यू चुआ 7 तार पद बी बेस कि हम ओ ए मानने 10 आल्टिमेटलि कि हल 0.7 इतना तमाने 10 थीटा इज इक्वल टू कि हल 0.7 है थीटा इज इक्वल टू कि हल 10 इनवर्स कि 0.7 राइट इतना 10 इन डिग्री मान तुम लोग कैलकुलेटर यूज करा नियर अबाउट कि पा नियर अबाउट तुम लोग 35 डिग्री पाबा হৈছে তার মানে কিমান ডিগ্রি কোণ করিলে 35 ডিগ্রি কি করিলে ইস্ট অফ নর্থ এইটো কোণ কিমান হল এইটো অ্যাঙ্গেল কিমান হল 35 ডিগ্রি ঠিক আছে এইটো তোমালোকে কি করিবা লিখি লবা এখন নাই প্রথমতে ইয়ার পরে ইয়ালৈ তারপর ইয়ার পরে ইয়ালৈ বডিটো আইছে আমি এখিনিৰ ভ্যালুটো জানো এখিনিৰ ভ্যালুটো জানো এইটো কি করিলো আমি कनेक्ट कर दिल यू कि हल ट्राइंगल हो गल भेक्टर ट्राइंगलर जी ल लो आम करल इते एप्लाई कर दिल एप्लाई कर दिले आम ऊलाले डिसप्लेसमेंट जी रिजल्ट भेक्टर जेल कि हल ये डिसप्लेसमेंट कि आम इन मीटर बोली लिखी दिबा यू डिसप्लेसमेंट ठीक है एकदम सो सिम्पल सो इजी एक नम्बर तो तुम लोग निश्चय बुझी पासा इतना बुझे एक ना दूटा भेल्यू दिया आसे तीन नम्बर भेल्यू तो उलिया लगे आम एप्लाई करूँ भेक्टर एडिशन ट्राइंगल मेथड है फर्मूल बहुत दीस ऊल्स 10 थीटा इज़ इक्वल टू आम जान पी बाय बी यू सर हाथ दी पे स्मल लेटर दी पा यू डांग दी पे तेने तुम लोग मिले लबा भेल्यू कई पुट कर लो यू 0.7 तुम लोग जाना तलब 10 आसे ऊपर 7 से 0.7 यूर भेल्यू कैलकुलेटर जो तुम लोग चुना नियर अबाउट 35 डिग्री पाबा तार माने ईस्ट ऑफ नॉर्थ यू एंगल टू कि हम 35 डिग्री नेक्स्ट इतना आम अंक चाह लगे नेक्स्ट अंक तो तुम लोग चुआसन मैं ये मुसी दूँ नेक्स्ट अंक तो तुम लोग एबार पढ़ी ला बहुत इजी नेक्स्ट अंक तो ताते एकुए ना ताते अकल फर्मुला पेल दिले हो गल इते कि कैसे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स दूटा फोर्स एप्लाई हो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन और फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन रिजल्टेंट तो किमान पाइछो आमी आर जितो रिजल्टेंट दूटा फोर्स एप्लाई करिसे करबात एप्लाई करि आसे रिजल्टेंट तो कि पालो आमी 4 न्यूटन पालो आमाक के लागे एंगल टे लागे इहतर माजर किमान डिग्री आसे हे एंगल तो आम उलियब
लगे इतना तुम लोग चाबा सल्यूशन लिखिल बहुत इजी लेट आम पी धरल पी कि टू निउटन तार पद धरल किऊ धरल कि थ्री निउटन आर कि पाई आम रिजाल्टेड फोर निउटन ठीक है थीटा तो लगे इक्वेशन तो ये यू पी एटु क्यू एटु आर लगे कि थीटा फर्मूला तो तुम लोग जाना आर स्क्वायर इजुकुअल टू पी स्क्वायर प्लस किऊ स्क्वायर यू डांगर धर दिबा किऊ टू ठीक है किऊ स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी किऊ कॉस ऑफ थीटा यू उत्तर आम लगे तुम लोग जाना यू आम ये इतना चाबा आम इतना कि लिखीम उनो डेट यू फर्मूला तो लिखी आम इतने आर स्क्वायर इजुकल टू पी स्क्वायर प्लस किऊ स्क्वायर ट्वाइस पी किऊ कि कॉस ऑफ थीटा वैल्यू क्या पुट कर बाकी आको ना इतने आर वैल्यू कि फोर स्क्वायर तो लगे पिर वैल्यू कि टू टू स्क्वायर लगे किऊर वैल्यू तुम लोग थ्री आस थ्री स्क्वायर टू फर्मूलार टू लिखिल पिर वैल्यू आज कि पिर वैल्यू आज टू किऊर वैल्यू कि थ्री और कॉस ऑफ थीटा ये तुम लोग निश्चय बुझी पासा एक ना ये फर्मूला यू ल इतने आम करल्यू क्या पुट कर पी धरल पी आम इतने दिया आसे टू निउटन थ्री निउटन दिया आम पी और किऊ तो धरी ललो है रिजाल्टेन्ट वेक्टर तो आम दिया आसे आर धरल रिजाल्टेन्ट वेक्टर तो धरी आम थीटा तो उलिया लगे इतने यू फर्मूला तो तुम लोग लिखी ला यू फर्मूला जाना आगर क्लासबाक कौरपर आए फर्मूला तो आम डिफाइन कर दीसूँ ये फर्मूला तो कौरपर के सम्पूर्ण एक्सप्लेन कर तुम लोग आगर क्लासबाक चाबा डायरेक्ट यू क्लास चाले हम बुझी नपाव परा फर्मूला तो आम वैल्यू क्या पुट करूँ इतना चाबा आम करम प्लस माइनास लम तीन आम गोटेखी ऊल जा इते कि हम सिक्सटीन इते फोर इते नाइन इते टूवेल्व कॉस ऑफ थीटा चुआ टू स्क्वायर मानने फोर थ्री स्क्वायर मानने नाइन यू टू टू फोर फोर थ्री जा टूवेल्व ये इतना इते सिक्सटीन तो एनेक थक और इफाले ये लह तुम लोग कि हम इते नाइन प्लस फोर थार्टीन इफाले आ माइनास हल सिक्सटीन थार्ट थार्ट सिक्सटीन पर थार्टीन तो कि माइनास कर थ्री टूवेल्व कॉस ऑफ थीटा थ्री तो इते थक टूवेल्व तो तलत गुस जा कॉस ऑफ थीटा ये केनसल हमें कि हम वन बाय फोर कॉस ऑफ थीटा ठीक है यही तुम लोग निश्चय बुझी पासा ये तुम लोगों क्या ना तुम लोगों प्रब्लेम हुआ ना ये आम चम कि इतने तुम लोग लिखा कस्टिता तो इतने लिखी पे वन बै फोर तो तैनक लिखा वानक किबा फोरे डिवाइड करा तार पास आम थीटा एंगल तो ऊल् ठीक है एक सुविधा ना इतना चाबा तुम लोग इतना कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कि लिखा वन बै फोर वन बै फोरक तुम लोग पॉइंट भांगा तैयार कि हम इते चाह तुम लोग जाना पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव तमाने कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव एटु साबा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट टू फाइव यह कैलकुलेशन कर सबा तुम लोग सेवेन्टी फाइव डिग्री एन्सार तो आम ऊल् यूर भेल्यू ठीक है तुम लोग निश्चय ये साम तो बुझी पासा एक ना जिकेटा दी आस तुम लोग इतने लिखी ला थीटा तो उलिया लगे आम थीटा तो ऊल्से ने थीटा तो आम धुनिया ऊल् गई से ठीक है यह एक तुम लोग कन्फ्यूजन ना
বুঝি নোপার কোনো কথা নাই। ফর্মুলাত মানকেইটা বহাইছো, বহাই পেলাই ওয়ান বাই ফোর পাইছো, কষ্টিতা পাইছো, কষ্টিতাটো ইয়াতে লিখিলোঁ ওয়ান বাই ফোরক আমি কি করলো ডিভাইড করার পিছত কি পালো ওয়ান অফ ফোরে ডিভাইড করলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পালো, কষ্টিতা ইজিকল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পালো, থিতা ইজিকল টু কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ, কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু ফাইভৰ মানটো আমি ইয়াতে পাই গলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়ালৈ তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছা, নুবুজাৰ কোনো কাৰণ নাই। এতিয়া আজিলৈ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম। ক্লাছটো সামৰণি মাৰাৰ আগতে তোমালোকে কি কৰিবা, ভিডিঅ'বিলাক অলপ লাইক কৰিবা, চাবা, যদি কিবা টান পাইছা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, তোমালোকে মোক হোৱাটছআপতে কমেণ্ট কৰি আছা, নম্বৰটো লোৱা আৰু হোৱাটছআপত কমেণ্ট কৰি আছা, তোমালোকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিবা, তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব হয়। আৰু লাইক কৰিবা, ইমান কষ্টকৈ গৰমত ক্লাছবিলাক কৰা যায়, যেতিয়া তোমালোকে লাইক কৰিবা তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব। ঠিক আছে, আজি এইখিনি কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ।